Good morning, everybody. Good morning. Good morning. So now, good morning. And do you know what do we have to do today? You have to check your English reader book with yourself. Okay? आज आपको आपकी English reader book लेकर बैठनी है बेटा. चलिए आप सारे बच्चे बैठने लेकर English reader book and open page number 35. पेज नंबर 35, द मैजिक मैच बॉक्स, द मैजिक मैच बॉक्स. ओके, पेज नंबर 35 खोलेंगे, द मैजिक मैच बॉक्स. मैम आपको स्टोरी पढ़कर सुनाएंगी, ओके, एक्सप्लेन करके सुनाएंगी, और आप क्या करेंगे, आप आपके साथ एक पेंसिल लेकर बैठेंगे. ओके, एंड डू यू नो व्हाट यू हैव टू डू विद दिस पेंसिल. आप क्या करेंगे, जहां कहीं भी उस वर्ड में, उस स्टोरी में टी सी एच साउंड वर्ड आएगा, आप उसको अंडरलाइन करेंगे. मैम विल नॉट टेल यू, मैम नहीं बताएंगे आपको, आपको ये खुद से करना है. ओके, स्टोरी, बिकॉज स्टोरी के पहले हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोगों ने उसमें टी सी एच साउंड वर्ड पढ़े बेटा, पढ़े ना. जो भी स्पेलिंग लिस्ट हम लोगों ने देखा था, उसमें क्या थे, टी सी एच साउंड वर्ड थे, है ना, टी सी एच साउंड वर्ड. तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. तान्या क्या हो गया, कंफ्यूजन, सुनो एक बार फिर से बोल रही हूं मैं. आज हम लोग हमारी इंग्लिश रीडर बुक कर रहे हैं बेटा, पेज नंबर 35 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मैजिक मैच बॉक्स. निकालिए सारे बच्चे. हाँ, आपको पेंसिल लेकर बैठना है, जो भी न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे आप उनको अंडरलाइन करेंगे. अगर आपको लगता है ये वर्ड नया है आपके लिए, आप नहीं जानते हैं तो. और उसके अलावा स्टोरी के 30 साउंड वर्ड. ओके, तनुष्का सिंह कहाँ बिजी हो बेटा, क्या कर रही हो. चलो सी क्या लिखा हुआ है, A bad old witch. Witch मतलब होती है डायन, जिसको हम बोल सकते हैं चुड़ैल. ओके, होती है ना गंदी. जो अच्छे होते हो क्या होते हैं, वो फेयरी होते हैं, परी होते हैं. जो गंदी होती है ना, वो विच होती है, चुड़ैल होती है. ओके, सो अ बैड ओल्ड विच, एक बहुत गंदी बूढ़ी चुड़ैल लिव इन अ फॉरेस्ट, जंगल में रहती है. वन डे एक दिन नेहा फॉरगेट्स, नेहा भूल गई. पिक्चर में और क्या है, एक छोटी लड़की है ना, इतनी छोटी लड़की, और ये बड़े बड़े पेड़ हैं हर तरफ, तो दैट मीन्स दिस इज फॉरेस्ट. तो यानी कि जंगल में ये दोनों लोग हैं. ओके, तो यही है, अ बैड ओल्ड विच लिव्स इन अ फॉरेस्ट, ये जो पेड़ के पीछे छिपी हुई ना, यही विच है, बैड ओल्ड विच, जो जंगल में रहती है. नेहा फॉरगेट्स हर वे, और ये जो छोटी बच्ची खड़ी है पिक्चर में, उसी का नाम नेहा है ना. तो भी नेहा क्या हुआ, ये अपने घर वापस जाने का रास्ता भूल गई. नेहा फॉरगेट्स हर वे बैक होम. सो नाउ सी व्हाट हैपेंड, द विच इज वॉचिंग हर फ्रॉम, द विच इज वॉचिंग हर, हर मीन्स उसको, उसको किसके लिए आए, नेहा को, मीन्स द विच इज वॉचिंग नेहा. अगर नेमिंग वर्ड हम डालें तो नेहा, अगर रिप्लेसिंग वर्ड डाल दिया तो हर. द विच इज वॉचिंग, विच जो है वॉच कर रही है नेहा को, फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, पेड़ के पीछे से, है ना, पेड़ के पीछे से नेहा को वो विच जो है, वो चुड़ैल जो है देख रही है. शी कैचेस नेहा, अब वो क्या करती है, कैच मतलब पकड़ना. शी कैचेस नेहा, किसने, शी किसके लिए आया है, उस बैड ओल्ड विच के लिए आया है. तो विच है
उसने नेहा को पकड़ लिया एंड टेक्स हर टू हर हाउस. और नेहा को कहाँ ले गई? अपने घर. शी मेक्स नेहा डू ऑल द वर्क. अभी अपने घर ले जाकर नेहा ने नेहा को उसने क्या कराया? बैड ओल्ड वुमन ने. शी मेक्स नेहा डू ऑल द वर्क. उसने नेहा को अपने घर के सारे कामों में लगवा दिया. अपने घर के सारे काम करवाने लगी नेहा से. नेहा हैज टू फेच स्टिक फॉर कुकिंग. क्या क्या काम नेहा करती थी? नेहा को कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए फेच, फेच मतलब चुनना, FETCH, फेच, फेच मतलब चुनना. मैम ने आप लोगों को बोला था अंडरलाइन करने के लिए, फेच आप लोग अंडरलाइन कर रहे हैं सारे बच्चे, अंडरलाइन फेच. आरव बिस्किट खत्म हो गया ना बेटा, आप बैठकर अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो. आई एम वॉचिंग यू. पेंसिल कहाँ है आपकी आरव? डिड यू अंडरलाइन द वर्ड फेच? नो. आपने वर्ड फेच को अंडरलाइन किया? मैम ने बोला था ना TCH साउंड वर्ड को हम लोग स्टोरी से अंडरलाइन करेंगे. ओके वेरी नाइस. चलो सो अभी नेहा को उसने सारे कामों पे लगा दिया. नेहा को क्या क्या करना होता था? शी हैज टू फेच, उसे चुनना होता था. स्टिक्स फॉर कुकिंग, खाने बनाने के लिए लकड़ियां. जंगल में तो लकड़ियां बहुत सारी होती है ना, तो खाना बनाने के लिए अब विच ने क्या किया? नेहा को बोलती थी जाओ लकड़ियां चुन कर लाओ. नेहा लकड़ियां चुनती थी. शी हैज टू कैच फिश. अब नेहा को क्या कैच फिश, उसे मछलियां भी पकड़नी होती थी. फ्रॉम द पॉन्ड, तालाब से. एंड कुक इट, और उसे पकाना भी पड़ता था. यानी कि लकड़ियां भी चुन कर लाओ, मछलियां भी पकड़ने जाओ, और बनाओ भी, पकाओ भी, खाना भी तुम ही पकाओ. इतने काम करती थी. यही नहीं, शी हैज टू स्टिच क्लोथ फॉर द विच. और क्या नहीं आपको करना होता था? विच के लिए कपड़े भी सीने पड़ते थे. ये विच इतनी गंदी थी, इसने नेहा से बहुत सारे काम लिए. यानी कि अब विच जो है कुछ भी काम खुद से नहीं करती थी, सारे काम नेहा से करवाती थी. She made her do all her work. Now let's come on page number 36. Page number 36. Now, what is written? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो picture बने हैं बेटा. इस page number 36 पे एक picture पे क्या है? नेहा जो है सर पे और हाथ पे कुछ सामान लेकर आ रही है. आ रही है ना? और क्या है वो? लकड़ियां हैं, है ना. यानी कि नेहा विच के घर में लकड़ियां लेकर आ रही है. और ये विच क्या है? ये आराम से बेड पर लेटी है. बट शी इज डूइंग समथिंग. पर लग रहा है ना जैसे विच कुछ कर रही है. हाँ, ये अपने पैरों को स्क्रैच कर रही है ना, दिखा रहा है ना. हाँ, तो फर्स्ट पिक्चर में विच जो है बेड पर लेटी है, अपने पैरों को स्क्रैच कर रही है, और नेहा जो है वो लकड़ियां लेकर आई है. नाउ देयर इज अनदर पिक्चर, एक और पिक्चर है. नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? नेहा के देखो कपड़े कितने फट गए हैं, पैचेस लगे हुए हैं, है ना. और ये बेचारी बैठी है फर्श पे. अभी देखो उसकी गाल पे आपको आंसू भी दिखेंगे, टीयर्स, है ना. उसके गाल पे टीयर्स भी है नेहा के गाल पे. बट वहां पे ग्रीन क्लोथ पहनकर, विंग्स लगाकर, हाथ में मैजिक. आरव स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप डूइंग दिस. ग्रीन क्लोथ पहनकर, विंग्स लगाकर, हाथ में मैजिक वांड लेकर कोई खड़ी है. वो कौन है? शी इज अ फेरी, वो परी है. The witch does not do any work. अब क्या है? Witch कोई काम नहीं करती थी, नहीं करती है. She has an itch on her foot. क्यों? She, she means who? Witch. ये जो चुड़ैल है इसे क्या है? Itch है, खुजली है. Okay. On her foot, उसके पैर में. ये हम लोगों ने फर्स्ट पिक्चर देखा ना, she is itching.
तो यानी कि उसको खुजली है और वो खुजा रही है। ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन, शी ओनली स्क्रैचेज हर ईचिंग फूड। और अब वो सारे दिन क्या करती थी, वो सिर्फ अपने उस ईचिंग फूड को स्क्रैच करती थी, खुजाती रहती थी। कहाँ जाएगी, क्योंकि शी डज नॉट नो द वे बैक होम, क्योंकि वो घर वापस जाने का रास्ता नहीं जाती है। अभी देखो, अगर वो घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर में आप लोग रहते हैं ना, तो क्या आपकी मम्मी आपसे कुछ काम करवाती है? कोई काम नहीं। तो प्रिया, आई हैव अनम्यूटेड यू, आपने हैंड रेज किया हुआ था। फेच मतलब होता है पाना, मिलना। ओके, दिस इज मैच बॉक्स। और यही मैच बॉक्स जो है, या मेरे पर मैम के पास येलो है ना, नेहा को गोल्डन कलर की मिली थी, माचिस की डिबिया। ओके,